अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अफाक आलम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कंफर्ट कुल। आज हम लोग बात करेंगे विंडो एसी का पीएससी वायरिंग के बारे में। पीएससी वायरिंग वो किस तरह का होता है और पीएससी का फुल फॉर्म होता है परमानेंट स्टार्ट कैपेसिटर मोटर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। जाता है एसी में, ये सप्लाई वायर है, फेज है जो रेड कलर का है, न्यूट्रल है जो ब्लैक कलर का है। यहाँ से फेज गया सेलेक्टर स्विच में। अब ये काम अंदर में किस तरीके से करता है वो आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए नॉब को हम घुमाएं, एक बार इसमें टच हुआ, फिर एक बार घुमाएं तो एक बार इसमें टच हुआ, फिर एक बार घुमाएं तो एक बार इसमें टच हुआ। उसी तरह दूसरा फंक्शन जो होता है, फर्स्ट टाइम तो एक बार फैन चलता है राइट साइड लेफ्ट साइड, उसके बाद जब पूल में जाते हैं हम लोग तो एक फ़ैन के साथ थर्मोस्टेट पे लाइन जाता है, इससे कंप्रेसर को लाइन जाता है, कंप्रेसर ऑन होता है। तो जब घुमाएंगे नॉब को तो फैन के साथ कंप्रेसर भी चलेगा, फैन के साथ कंप्रेसर भी चलेगा। उसी तरह ये स्विंग का लाइन लिए हैं हम, जो जब कंप्रेसर और फैन में देंगे, फैन तो ऑलरेडी है ही, फैन चलेगा ही, फैन स्विंग से पहले चलेगा, जो दो फैन पहले चलेगा उसमें स्विंग नहीं चलेगा। जब फैन और पूल दोनों होगा, माने फैन और कंप्रेसर जब दोनों चलेगा तब ये स्विंग चलेगा, और अभी स्विंग का स्विच ऑन रहेगा तब। ठीक है, ये स्विंग का स्विच है, ये स्विंग मोटर है। इधर से हमने फेज लिया डायरेक्ट थर्मोस्टेट वाला लाइन से लिए हैं और इधर से न्यूट्रल लिए हैं। ये देखिए न्यूट्रल लाइन है, यहाँ से ऐसा चला आ रहा है, ऐसा आके ये रनिंग कैपेसिटर का कॉमन लाइन में गया है। रनिंग लिखा हुआ है, रनिंग वायर इसमें जुड़ता है, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में आ रहा दिखा रहे हैं हम यहाँ पर ही कि रनिंग है। इसमें न्यूट्रल है, न्यूट्रल डाला हुआ है वाला, इसी में से न्यूट्रल लेके हम लोग ये देखिए स्विंग में दिए, स्विंग मोटर हो गया। अब ये मोटर है, ये तीन स्पीड है, जिसका कलर है ब्लू है आपका लो, ये है मीडियम और ये है हाई। ये तीन स्पीड है मोटर का। अब ये वाइंडिंग में आ जाइए, वाइंडिंग में ये स्टार्टिंग वायर है, ये रनिंग वायर है, रनिंग वायर से स्पीड दिखा रहे हैं हम और इसी से आपका एक न्यूट्रल ले रहे हैं। तो ये कंपनी का वाइंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि अंदर में ये वायर को वो कहाँ जोड़ा है, कॉमन जोड़ा है या टर्म्स बढ़ा के इसी से ये किया है। वो मोटर वाले वाइंडिंग का ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह का फैक्ट्री वायरिंग किया है इसके अंदर का। वो जो दिया है, जो दिखा रहा है वो हम दिखा रहे हैं ताकि आप लोग इस पर समझ पाए, ठीक है ना। तो ये वाला जो है ये रनिंग का एक मतलब एक न्यूट्रल के लिए हम लोग एक वायर लिए हैं, रनिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। ये देखिए यहाँ आया रनिंग कैपेसिटर में, ठीक है, और इसका कलर है ऑरेंज, ऑरेंज कलर का ये वायर होता है। ये एक तार ये रनिंग कैपेसिटर में आ गया, उसी तरह एक तार स्टार्टिंग है। ये देखिए यहाँ दिखा रहे येलो कलर का होता है, ये सिंगल रहता है, इसमें कोई पावर सप्लाई अप्लाई नहीं जाता है, ठीक है, उसीलिए इसको इधर से ला के हम दिखा रहे हैं। दूसरा चीज़ ये एलजी विंडो एयर कंडीशनर मैनुअल वायरिंग है, पीएससी वायरिंग बोलते हैं, परमानेंट स्टार्ट मोटर कैपेसिटर इसका फुल फॉर्म है। तो हो गया इसका क्लियर। अब इधर आ जाइए, यहाँ से थर्मोस्टेट चलाना है सीधा कॉमन में, उसी तरह यहाँ से कंप्रेसर से रनिंग आ गया, रनिंग में स्टार्टिंग आ गया सिंगल स्टार्टिंग, जिसमें शॉर्ट में एच लिखा हुआ रहा था, वहाँ पे किसी में पूरा लिखा होता रहा हर्म, ये मतलब कोडवर्ड है इसका कि इसमें स्टार्टिंग रहेगा, ठीक है। और सी जहाँ लिखा रहेगा उधर वायरिंग डालेंगे, रनिंग डालेंगे हम लोग, जहाँ एफ लिखा रहेगा वहाँ फैन का डालेंगे। क्लियर है, ये बॉडी अर्थिंग है इसका, बॉडी अर्थिंग मस्ट है तो पता ही है सबको। हो गया ले बाबू रखते सर।